वेलकम टू अनबॉक्सिंग इन हिंदी। अनबॉक्सिंग इन हिंदी में आज हम लोग आपके लिए दिखाने लाए हैं, ये देखिए प्रिजन का एक इलेक्ट्रिक केटल है जिससे आप पानी गर्म कर सकते हो, दूध गर्म कर सकते हो, चाय बना सकते हो। लेकिन चाय दूध गर्म करते समय क्या चीज़ें ध्यान रखनी है वो बताएंगे। पानी ये कितनी देर में कितना जल्दी कितना फास्ट गर्म करता है सब दिखाने वाले हैं। इसकी डिटेल्स कुछ देखना चाहो तो आप रीड आउट कर सकते हो, यहाँ पर दी गई है, फीचर्स वगैरह सब कुछ यहाँ पर दिया गया है। अभी फटाफट इसको ओपन करते हैं, और ओपन करने के लिए हम क्या करें। अरे यार, ओके, भी विन है, हमें विन हासिल हो चुकी है जी। तो फटाफट ओपन करते हैं। देखिए कुछ खास फैंसी चीज़ें इसके अंदर नहीं होती है, मतलब जो यूजेबल चीज़ें होती है सिर्फ वही होती है, सीधा सामने आपको दिख जाती है। यहाँ सबसे पहले एक ये केटल मिल जाती है, जो कि देख सकते हो कुछ स्टेनलेस स्टील में आती है, जो कि इसके ऊपर लिखा हुआ अभी है स्टेनलेस स्टील की। ये जो है वो आपको इलेक्ट्रिक केटल मिल जाती है, देखिए कितनी गजब की। ये इसका आउटलेट है और ये ब्रांडिंग दी गई है। यहाँ पर इंडिकेटर है, जैसे ही आप इसको ऑन करते हो क्या होगा वो चीज़ें सब बताएंगे। यहाँ पर एक बटन दिया गया है ऑन ऑफ के लिए, और यहाँ पर देखिए ये लिड दी गई है, इसको दबा के ओपन करते हैं और देख सकते हो अंदर का कंपार्टमेंट कुछ ऐसा है। तो ये है आपका पिजन का ये एक केटल, और नीचे देखिए आपको यहाँ पर इलेक्ट्रिक कनेक्शन के लिए हीटिंग पैड का ऑप्शन दिया गया है। यहाँ पर कनेक्शन बनेगा, वो बनेगा कैसे, इसके साथ एक बेस आता है, दिखाता हूँ आपको। और बॉक्स में कुछ नहीं मिलता, आपको मिलती है एक छोटी सी ये यूज़र गाइड। तो आप ये यूज़र गाइड और वारंटी कार्ड भी दिख जाता है आपको। ये यूज़र गाइड है, अगर आप रीड आउट करना चाहो तो डिटेल्स रीड कर सकते हो। और ये मिल जाता है इसके साथ में आपको बेस, जिसके ऊपर कुछ डिटेल्स भी दी गई है, आप चेकआउट करना चाहें तो यहाँ पर कुछ डिटेल्स हैं। ये बेस है देखिए, इसके ऊपर ये जो इलेक्ट्रिक कनेक्शन है ये वाला, नीचे बेस आपका रखा जाता है आपके टेबल वगैरह पे, आपका जो भी स्लैब वगैरह है किचन में। और सबसे बड़ी मुझे एक ही कमी लगी इसकी कि यार इसका जो इलेक्ट्रिक कोड है ना, मैं मतलब काफ़ी टाइम से यूज़ कर रहा हूँ, वैसे ये अनबॉक्सिंग अभी कर रहे हैं बस, और मैंने किसी को ऑफ़र में मंगा करके दिया, ये काफ़ी गजब का ऑफ़र मिल गया था। लगभग हमारे को ये मिल गया था 500 रुपये से कम की रेंज में, वैसे 700-800 रुपये रहता है। इसके ऊपर प्रिंट रेट क्या है मैंने बताने भूल गया आपको, 1500 वॉट का है ये, और 220 से 240 वॉल्ट आपको एसी कनेक्शन चाहिए, 1245 रुपये रेट लिखा गया है इसके ऊपर। तो इस हिसाब से हमें काफ़ी ठीक मिल गया। ये देखिए ये केबल है इसकी छोटी सी 1 मीटर की, और अगर आपका इनलेट ऊपर लगा हुआ है काफ़ी, क्योंकि बच्चों के चक्कर में ऊपर लगा देते हैं हम लोग, बोर्ड इंडिया में ऐसा सिस्टम रहता है, तो इसलिए ये काफ़ी मतलब छोटा लगता है आपको। अब यहाँ पर देखिए मैं बताता हूँ आपको, ये बेस रखा हुआ है, इलेक्ट्रिक कनेक्शन कर दीजिए और वॉइल किसी भी तरफ से इसको रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और फटाफट आप पानी गर्म करके दिखाते हैं आपको कितनी मिनट में कितनी सेकेंड में हो जाता है, 2 गिलास पानी उबलता हुआ कितनी देर में हो जाएगा। अब चाय दूध के लिए मैं बताऊँगा आपको, मैं यूज़ कर रहा हूँ काफ़ी टाइम से, चाय दूध अगर डाल के रखेंगे तो ध्यान रखना होगा आपको, बहुत कॉन्शियस रहना पड़ेगा, वरना चाय दूध ऊपर से उबल जाता है और वो प्रॉब्लमेटिक होता है। हमने पानी को गर्म करना स्टार्ट कर दिया है, ये आप आवाज़ सुन सकते हो। जैसे ही आपका पानी बिल्कुल गर्म हो जाएगा, वो इंडिकेटर देख रहे हो आप लोग, वो बंद हो जाएगा, और ये जो बटन है ऊपर की तरफ ये भी बंद हो जाएगा, आप उसको ऑन भी नहीं कर सकते हैं। पानी पूरी तरह से उबल चुका है, बहुत गर्म हो चुका है। वाह, इसने 3.5 मिनट दिए लगभग, बहुत ज़्यादा गर्म हो गया था, उबल गया था, बटन में से भी मतलब पानी निकला है, पता नहीं कैसे क्या हुआ, शायद हमें ढक्कन खुला रखना था पानी,
बाकी पानी बहुत ज़्यादा गर्म हो चुका था, ऐसा लग रहा था कि ये फट सकता है किसी भी समय, बहुत ज़्यादा गर्म हो गया था भैया। चेक कराता हूँ आपको, ये यहाँ से हैंडल भी गर्म हुआ पड़ा है, बहुत ज़्यादा गर्म। चेक आउट बॉइलिंग वाटर, तो देख सकते हो आप लोग गर्म तो कर दिया इसने, बहुत ज़्यादा गर्म है ये पानी, हद से ज़्यादा गर्म है पानी ये। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर दबा लीजिए, और परचेज करने के लिए हमारे चैनल आइकन पे क्लिक करके अबाउट में जाके शॉपिंग के आइकन पे भी चेकआउट कर सकते हैं।